आपका आन बान शान है। और तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए और हम आपको फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे भी होगा। तो आप लोग देखें अच्छा है। तो आज तो संडे है, आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, देख रहे हमारे पीछे पीछे। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए, हम आप लोग के साथ पूरा वीडियो शेयर करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ये काफ़ी बड़ा इमारत बना हुआ है। तो अभी हम अंदर चलेंगे, जैसे भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो जो भी चीज़ होगा। तो ये देखिए अभी हम लोग पार्क में जाएंगे क्योंकि पार्क में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फ्रेंड लोग यहाँ से जो है एंट्री हो रही है हम लोग की अंदर के लिए, और उधर जो है आदमी लोग का पुरुष लोग का जो है लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे महिला लोग का है, और बाहर जो है गेट पे चेक हो रहा था टिकट वगैरह। यहाँ पे देखिए ये चेक कर रही हैं। तो अभी जो है चेकिंग हो गई है हम लोगों की, और हम लोग अब जा रहे हैं अंदर किले के अंदर। अब देख लीजिए कितना भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना ज़्यादा हरा भरा यहाँ पे जो है दीवार के बाहर के साइड में पूरा हरियाली है। और आप लोग देखिए दीवार कितना ऊंचाई पे है, और ये जो है इसके बगल से हम लिए हैं किले के। तो आज संडे है, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। तो वो रहा गेट, और उसी से हम लोग जो है अंदर जाएंगे, और वहाँ पे जो है जो पुराने जो सब सामान है वहाँ पे सब रखा गया है। और इधर साइड में देखिए उधर झूला उला है बच्चों को। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, अभी दिखा रहे हैं अंदर क्या क्या है क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। ये रहा तो जो इन लोग के ज़माने में जो है लड़ाई करते थे ये लोग। अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, आप लोग देखिए इसका छत जो है इस कुछ इस तरीके से है। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी जैसे जैसे है। ये अंदर से कुछ इस तरीके से, ये देखिए हमारे इंडिया का फ्लैग उस कितना अच्छा लग रहा है। एक बार मैं कैमरे से घुमा के आप लोग को सब दिखा दे रही हूँ यहाँ का। अंदर से जो आप लोग आएंगे तो अंदर से कुछ इस तरीके से है, ये अंदर का है। अभी इसके अंदर भी है, यहाँ पे तो कई गेट है। इसे अंदर आएंगे तो कुछ ऐसे आंगन टाइप का है जो इधर, मतलब बीच में ग्राउंड जैसा है खुला खुला। और फिर इसके बाद यहाँ से भी एक गेट है, फिर इसके बाद सब अंदर जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे अंदर आप आएंगे जैसे मतलब, तो यहाँ पे कपड़े वपड़े सब सामान भी ज़रूरी जो ज़रूरत के सामान है लेडीज़ों के लिए, यहाँ पे सब कपड़े भी शॉल है, और यहाँ पे ज्वेलरीज है, बैग वैग है। यहाँ पे आप अच्छे से ख़रीदारी भी कर सकते हैं किले के अंदर। और यहाँ का देखिए छत मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, काफ़ी पुराना हो गया है। और इधर साइड में भी देखिए सब सामान बिक रहा है। और आज संडे है तो काफ़ी भीड़ है क्योंकि संडे के दिन सब ज़्यादा ही फ्री रहते हैं। और इधर सब सामान जो है बिक रहा है। इधर देखिए एयरिंग है, सब
सबसे ज़्यादा तो लेडीजों के लिए है, यहाँ पे ज़्यादा सामान अवेलेबल है। और ये देखिए छत का दीवार तरीके से बहुत जगह बढ़िया अभी तो घूमने को। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये हैरानी है कि पुराने ज़माने के लोग भी इतने ज़्यादा डिज़ाइनर होते थे। आप लोग देखिए छत पे कितना अच्छे डिज़ाइन हुए हैं, यहाँ से देखिए पूरा। और इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब एक बार सोचो कि पहले के ज़माने में भी इतना ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ जो है बना। और फिर जैसे एक आंगन था, फिर इसके बाद फिर आप अंदर आएंगे तो फिर आंगन जैसे दिखेगा। और ये देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे तो लगा कुछ वैसे सामान है जैसे पुराने जो थे महाराजा राजा महाराजा उन लोग का सामान होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब सामान जो है लड़जो के लिए और जेंट्स के लिए भी सामान है। तो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी का है। आगे हैं बाहर से देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे छोटे छोटे जो है इमारत बने हुए हैं। हम अभी किले से बाहर आ गए हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पे किले के जैसे आप बाहर आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे। अभी चल रहे हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या है। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए। लोग अंदर आ गए हैं तो अंदर देखिए कुछ इस तरीके से, और कैमरा ले जाना मना है तो इसलिए मैं आप लोग को बाहर से थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। अंदर कैमरा नहीं ले जाना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको कैमरा ले जाना मना है क्योंकि यहाँ पे कैमरा नहीं ले जाने दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंदर गए तो कैमरा मना कर दिए कि अंदर नहीं ले जाना है, तो वहाँ का वीडियो हम नहीं बना पाए। पे सिंहासन था जहाँ पे उनका दरबार लगता था, वो वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए गौर से इसको, क्योंकि यहाँ पे जो शाहजहाँ का दरबार लगता था और इसकी छत कुछ इस तरीके से है। अभी हम आप लोग के ले चल रहे हैं जहाँ पे उनका सिंहासन था शाहजहाँ का, और यहाँ पे इनका दरबार लगता था। ये छत है कुछ इस तरीके से और इतनी ज़्यादा अच्छी डिजाइनिंग है। पहले के ज़माने में इतने ज़्यादा कलाकार, इतने अच्छे कारीगर होते थे। तो यहाँ पे शाहजहाँ का जो है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे शाहजहाँ का सिंहासन था, यहाँ पे वो आराम करते थे। और जो है यहाँ पे उनका सिंहासन बना हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग भी ऐसे वीडियो में बने रहिए, मैं जितना भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूंगी और जो जो चीज़ होगा। और इतने अच्छे से कारीगरी हुई है। तो आप लोग एक बार बगल से देख लीजिए इनका जो है सिंहासन, इधर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा तो ये हैरानी है कि पहले के ज़माने के जो कारीगर होते थे इतने अच्छे से डिज़ाइनिंग करते थे इसको। आप लोग देखिए ये इनका सिंहासन है और छत का डिज़ाइन तो आप लोग देख ही चुके हैं। और आप लोग एक मूवी देखे होंगे जो है अमरीश पुरी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो मूवी परदेश, जो यहीं पे शूट हुआ था उनका। वहाँ पे बैठते थे और ये सामने एकदम पूरा गार्डन जैसे था, मतलब सिंहासन के जस्ट सामने ही जो है ये है और ये इमारत बना हुआ है। और इधर से जो है वो आते जाते थे और इधर गार्डन जैसा है, उधर भी गार्डन जैसा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उनके ज़माने में, तो और भी ज़्यादा सुविधाएं होंगी और जो जो उनका जो पसंदीदा होता है।
तो यहाँ पे उनका सिंहासन था, मैंने आप लोग को दिखाया। फिर सिंहासन के जस्ट सामने जो है इधर ये वाला है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रास्ते में ये देखो अनार का बगीचा लगा हुआ है, ये है। और इसके जस्ट पीछे जो वो वाला था, उसके जस्ट पीछे इस साइड में कुछ इमारतें बने हुए हैं जो वाइट कलर से पेंट है। तो वो है मुमताज़ महल, जहाँ पे मुमताज़ बेगम रहती थी, वहाँ पे उनके लिए जो बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है शुद्ध पेयजल, यहाँ पे आपको ठंडा पानी मिलेगा एकदम से, फ्रिज का पानी। तो यहाँ पे आप पानी का भी आनंद ले सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं बढ़िया हाथ मुंह धुल के। तो यहाँ पे जो है मुमताज़ महल है, आप लोग देखिए पूरा लिखा हुआ है उनके बारे में। ये रहा मुमताज़ महल, शाहजहाँ ने इनके लिए बनवाया था। तो शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए इसको बनवाया था। और यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे उनका सिंहासन है, सिंहासन के जस्ट पीछे यहाँ पे जो है मुमताज़ महल है। तो ये है मुमताज़ महल, इधर देखिए। दूर से वीडियो में आप लोग को दिखाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नज़दीक से मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊं। तो ये रहा मुमताज़ महल, और यहाँ से जो है सीढ़ी है अंदर जाने के लिए, लेकिन वो बंद है। तो ये रहा मुमताज़ के लिए जो है ये पोखरा टाइप का कुछ बना हुआ है, और उधर साइड में जो है शाहजहाँ का जो सिंहासन था, और उसके जस्ट पीछे जो है यहाँ पे एक पोखरा जैसा है, और फिर उसके मतलब उनके जो है सिंहासन के जस्ट जो है पीछे के साइड में मुमताज़ महल है, और जो बंद पड़ा है, मतलब बाहर से तो खुला है लेकिन अंदर सब बंद है। और ये रहा उनका महल मुमताज़ जी का, और आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं पूरा कैमरे घुमा के आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये है रंग महल, जो शाहजहाँ ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनवाया है। तो यहाँ पे देखिए एक क्यूट सी बच्ची है जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुमताज़ ही है। बहुत सुंदर लग रही है, और मैं पास से दिखा रही हूँ। ये इनके फादर जी है। तो शाहजहाँ की इतनी रानियाँ थी, क्योंकि उनकी महल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अभी उनकी महल की वीडियो है सब। आप देखा, तो वो जो दिख रहा है रानी महल के जो है पीछे हीरा का महल है, यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे पानी वानी सब रहता था, और वहाँ पे मना है लेकिन फिर भी कोई मान नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे सबको मना किए हैं कि वहाँ पे नहीं जाना है। और वहाँ पे सब म्यूजियम है, वहाँ पे सब सामान है पुराने राजा का सिंहासन था, सिंहासन के जस्ट पीछे जो रानी का महल था, और रानी के महल के जस्ट पीछे जो है हीरा का महल है। और ये सब देखिए, यहाँ पे मना है किसी को मतलब आना जाना। हीरे के महल के जस्ट पीछे जो यहाँ पे है शाह बुर्ज है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और ये सब जो है बंद है। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं जो जो चीज़ें यहाँ पे। ये किले का निर्माण मेरे हिसाब से तो 4-5 किलोमीटर के रेंज में जो है ये बना हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी तो बंद है, जहाँ पे आना जाना मना है। और आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
तो ये रहा जाफर महल, जो बहादुर शाह जाफर द्वारा बनवाया गया है। तो अभी हम महल वहल सब घूम के इसके बाद हम आ रहे हैं म्यूजियम में। उसके अंदर का हम सब दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। और इधर देखिए, और इधर साइड में देखिए म्यूजियम बना हुआ है। हम महल वहल सब घूम के आ चुके हैं। और इधर साइड में देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो है इमारत बना हुआ है, जो 1857 से 1957 का है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर, तो वहाँ पे जो जो होगा हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि सामान वहाँ पे क्या क्या रखा गया है। यहाँ पे जो है चेक होगा, इसके बाद हम म्यूजियम के अंदर जाएंगे।